हेलो फ्रेंड्स, अभी सावन का महीना चल रहा है और कहा जाता है कि सावन के महीने में खीर जलेबी खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने सेवई की खीर बनाई है और देखिए कितनी टेस्टी खीर लग रही है। ये सच में बहुत ही टेस्टी खीर बनकर तैयार हुई थी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सेवई की खीर। तो यहाँ पे हमने 1.5 लीटर दूध लिया है, इसको अच्छे से उबाल लेंगे। ध्यान रहे दूध में पानी नहीं मिलाएं, क्योंकि पानी मिलाने से दूध पकने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। दूध में उबाल आ जाने पर फ्लेम लो कर देंगे और इसे आधे घंटे के लिए पकाएंगे दूध को। दूध को पकते हुए आधा घंटा हो गया है। अब यहाँ पे आधा कप सेवई डालेंगे। सेवई को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। सेवई कम डालें, क्योंकि अगर हम सेवई ज़्यादा डाल देंगे तो फिर दूध गाढ़ा नहीं होगा और सेवई सारा दूध पी जाएंगी और खीर टेस्टी नहीं बनेगी, इसलिए कम ही डालें। देखिए सेवइयाँ अच्छे से पक गई हैं और दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो गया है और कम भी हो गया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता काट लिए हैं बारीक बारीक टुकड़ों में। अब 8 से 10 इलायची हैं, इनका छिलके अलग करके और इसका पाउडर बनाकर डाल देंगे। आधा कप चीनी डालेंगे, जितनी सेवैयाँ ली हैं उतनी ही चीनी डालेंगे। आधा कप चीनी ली है मैंने यहाँ पे। थोड़ी किशमिश डालेंगे और चीनी डालने के बाद में इसे 15 से 20 मिनट तक ज़रूर पकाएं। देखिए खीर बिल्कुल बनकर तैयार है और अभी ये ठंडी होने के बाद में और गाढ़ी हो जाएगी। तो आप इसे गर्म या ठंडा किसी तरह से खा सकते हैं। अगर आप इसको फ्रिज में रख के अगले दिन खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।